हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं परमल। तो परमल तो बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं खाते, तो उन्हीं के लिए मैंने आज ये रेसिपी स्पेशल बनाई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने ये परमल छील ली हैं, दो आलू लिए, दो हरी मिर्चें, एक टमाटर, एक प्याज। तो इन परमल को मैं काट लूँगी, बीच में से इनके बीज निकाल लेंगे काट कर। ये इस तरीके से मैं इनके बीज निकाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत टाइट से होते हैं, मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये सभी परमल मैं इस तरीके से खाली कर दूंगी। तो ये कर लिए मैंने सारे खाली और इनको मैंने बीच में से कट कर दिया। इसमें लेना है मुझे एक मैगी मसाला। तो ये मैगी मसाला मुझे हाफ डालना है, इसमें आधा आधा मुझे आलू में डालना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसी के साथ डाल दूंगी मैं इसमें मिर्चें। मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, ये नहीं, एक चौथाई से भी कम है। हल्के से फ्लेवर के लिए चाहिए और थोड़ा सा मुझे नमक चाहिए बिल्कुल। अब इनको कर देते हैं मिक्स और इसको रख देती हूँ 5 मिनट मिक्स करके। तो ये हो गए हमारे अच्छे से मिक्स मसाला। अब इनको रख देती हूँ 5 मिनट रेस्ट के लिए। तो इतने में अपनी सब्जियाँ काट लूँगी। तो ये रख लिए मैंने कढ़ाई, सब्ज़ी मैंने काट ली है अपनी। इसमें डालती हूँ मैं 1 चमचे से भी कम ऑयल। तो ये हो गया है गरम और इसमें मुझे डालने डायरेक्ट आलू। इसमें मैंने कोई ज़ीरा वीरा किसी चीज़ का तड़का नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्ट आलू डाल दिए हैं। ये देखिए आलू डालकर थोड़े से मुझे भूनने हैं। अब उसी के साथ डाल दूँगी मैंने मिर्चें। ये मिर्चें मैंने लंबी लंबी काटी हैं, ये देखिए बड़े साइज़ में, लंबे साइज़ में काट ली हैं। अब जो मैंने मैगी मसाला बचाया था वो मुझे इसमें डाल देना है। अब इसके साथ में मुझे भून लेना है। इनको ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही भूनना है। तो ये भून कर रेडी हो गए, तो चलिए इन्हें निकाल लेती हूँ। तो ये निकाल लिए मैंने। इसी रिफाइंड में मुझे थोड़ा सा और डालना है, 1 चम्मच ऑयल। ये राइस को गरम अच्छे से होने देते हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं जीरा। तो ये जीरा भुन गया है, इसमें डाल दूंगी मैं प्याज। प्याज में गोल्डन ब्राउन करनी है। तो प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है, ये देखिए इनमें कलर आ गया है। अब इसके साथ डाल दूंगी मैं टमाटर। टमाटर मुझे थोड़े गला लेने हैं इसमें। तो ये टमाटर मेरे होने लगे हैं सॉफ्ट। तो इसमें जो मैंने परमल लिए थे साथ में, इसके वो डाल दूंगी और परमल को अच्छे से इसमें भून लेना है। क्योंकि इसमें मैगी फ्लेवर है तो बच्चे से बहुत शौक से खाते हैं। परमल बिल्कुल नहीं खाते थे बच्चे, जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मेरे। आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो अब इसमें डाल देते हैं अपने मसाले। ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है लहसुन पेस्ट आधे चम्मच से भी कम लिया था मैंने वो, और ये लिया है मैंने नमक आधे चम्मच से भी कम क्योंकि मैंने नमक पहले परमल में थोड़ा सा डाला था, और ये आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने गरम मसाला, और ये आधा छोटे चम्मच ही मेरे पास धनिया है। और ये चिली फ्लेक्स लिए है मैंने 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने लिया है हल्दी क्योंकि हल्दी मुझे सिर्फ हल्के से कलर के लिए चाहिए। और इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको चला लेते हैं। तो ये भी सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैंने जो आलू और हरी मिर्ची मेरी फ्राई हुए रखे हैं वो भी इसके साथ मिला देते हैं।
अब यकीन मानिए, पहले मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते थे। जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की मार्केट जाती तो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि परमल ज़रूर लेकर आना, क्योंकि आपको तो पता है बच्चे मैगी के दीवाने होते हैं और इसमें मैगी मसाला है। तो इसको रख देती हूँ मैं ढककर 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, ये मेरी बनकर हो गई है रेडी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।